नमस्कार दर्शक बंधु, आपण मानक आपणकर प्रिय ओडिया कुकिंग चैनल खाना रोजाना को स्वागत करुच्छी। आज आपण मानक नहीं आसी टेस्टी आलुदम दहीबरार रेसीपी जहाँ कि आप निश्चित भाव रज पर्व बनातु और किपर लगला मत निश्चय जनइबे। तेब आउ डेरी नक आसतु प्रस्तुत करवा टेस्टी चटपटा रेसीपी। ये प्रथम दहीबरा प्रस्तुत करने मु बिरी को बतुरे नहीं बिरी को मुझे दुई रु तीन घंटा पर्यंत भलसे बतुरे नहीं देखु बिरी पूरा भलसे बतुरे जाइए मुझे भलसे धोई नहीं सहित हिंत अल्प पा रखी यही पाने से ही मुझे पेशी नेबी। एवं आम यहाँ भलसे ग्राइंडर में फाइन पेस्ट बनई ना एमें जमा भी बेसी पा देवानी ना आम बरा जमा भल बन जो पाने से बतुरे थी से ही अल्प पा देद। ये भी मुझे बिरी को पूरा भलसे यहपरी भाव में पेस्ट बनई नहींपर सब बिरी को ही भलसे ग्राइंड करने भी। तापर ये देखूँ मुझे सब बिरी को भलसे ग्राइंड करनालापर मुझे गोटे कप सुजी आड करसत ही डेढ़ टी स्पून लुण आड करें भलसे यहपर भाव में मुझे डंका मिक्स कर नौ। आपड़ चाहिए हैंड व्हिस्कर हो कि इलेक्ट्रिक व्हिस्कर भी भलसे व्हिस्क करेंगे जमी आम बिरी भलसे टी फ्लफी हो ये दुई रु चार मिनिट पर्यंत यहपर भाव भलसे देखते मुझे मिक्स कर नहीं आम यहाँ कभर करके अध घंटे 45 मिनिट पर्यंत रेस्ट पर छाड़ीदे से भितर आम बिरी रे सुजी भी भलसे नरम हो जाइए बिरी पूरा फ्लफी बन जाइए। देखो मुझे अध घंटे 45 मिनिट पर बरा को छाणी को जाए ये तेल पूरा भलसे देखते गरम हो गला मुझे भाव में बरा को छाणी नौ। बरा को छाणी बेले आम ये बिरी को यहपर भाव में सेप देदे। भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखु। भल लगे आम चैनल को निश्चय लाइक करूँ सेयार करूँ चैनल नुआ थे चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करूँ आउ पाखे बेल आइकन को प्रेस करने को जमा भी भूलें। तापर आम एपट सेपट करके भलसे फ्राए करने पूरा पूरी गोल्डेन ब्राउन कलर हो गले आम यहाँ तेल रूपर छाणी ने ए सब बरा को ये छाणी ना मुझे गोटे जगार यहपर पा नहीं जाइए ही सब बरा को देदे जहाँफल कि बरु आम तेलिया अंश बाहर जा भलसे पूरा नरम होपर सब बरा को आम छाणी ना। एवं चलतु दहीबरा दहीर पा प्रस्तुत करे दहीबरा जो दहीपा प्रस्तुत करवा से मुझे गोटे बड़ जगह ही ये नहीं जाए जहाँफल कि आम जो बरा भलसे सोख पार आ जमा भी भांगी। एबे मुझे गोटे लिटर दही नहीं सब दही को ये नहीं जाए से ही 4-5 टी स्पून है अदा को करी रखी थी से अदा को नहीं जाऊँगी। आम दहीबरार जो दही पा प्रस्तुत करवा से अदार क्वांटिटी टी अधिक आनी दे जहाँफल कि आम टेस्ट भल आए और तार बास्ना भी बहुत भल आए। एवं से दुईट लेंबू को मुझे भाव में चिपुड़ी नौ आपणकर जब दही खटा अच्छी तब आप लेंबू भी यूज नक चल किंतु लेंबू जूस ने आम ये दही दही टे खटा लगे और तार चटपटा फ्लेवर टी भल आए। एवं मुझे ही किसी लेंबू पत्र को यहपर भाव में क्रस करके नहीं जाऊँगी जहाँफल कि आम यार बास्ना बहुत ही भल आसी था। एवं मुझे लुण नहीं जाऊँगी मुझे डेढ़ टी स्पून लुण नहीं क्वांटिटी बनाऊे स्वाद अनुसार लुण कम बेसी करेंगे। तापर आम ए पा एड करने और पूरा व्वाटरी करने मुझे गोटे लिटर पा एड कर नौ एबे ये सब को भलसे यहपर भाव में मिक्स करना सहित ही मुझे 3 टी स्पून पखापाखि जीरा पाउडर नहीं जाइए आ 2 टी स्पून तीखा लाल मिर्च नहीं जाइए ये सब को आम यहपर भाव में भलसे मिक्स करने। एबे कड़ई में किसी भुर्सुंग पत्र को यहपर भाव में भाजी नौ मुझे जमा बेस तेल यूज करनी या पूरा रोस्ट कलापर ही भाजी नौ। एवं एक नहीं आम जो दही पा प्रस्तुत करते छुंक देदे आकु भी यहपर भाव में मिक्स करके रखी ना। ये जो बरा को मुझे आगे बतुरे रखी थी से बरा देखते ये आम पूरा नरम हो जाए तेल अंश भी पूरा बाहरी जाए आम यहाँ दही में पकईदे आम गोटे रु 2 घंटा यहपर भाव में छाड़ीदे जहाँफल कि बरा आम दही को भलसे सो कर नब आ तार फ्लेवर भी से भल आसीज। एवं चलतु प्रस्तुत करने आलुदम को कड़ई में 3 टी स्पून रिफाइंड तेल नहीं जा तेल सामान्य गरम होगापर मुझे गोटे पिज को छोट छोट चप कर रखी ताकू नहीं जाऊँगी। पिज को मुझे भलसे यहपर भाव में भाजी ने पिज टी भाजीगला मुझे गोटे टी स्पून हलदी पाउडर आड कर नौ भी यहपर भाव में मिक्स करने
ता सहित ही दुईटी टमाटो को चॉप कर रखली ताकू ऐड कर नौ एवं या भलसे यहपर भाव टे भाजी ने मुझे सामान्य पा एड कर जहाँफल कि टमाटो आम भलसे शीघ्र सीझी जा भलसे मैश भी हो कारण आलुदम आम टमाटो पूरा भलसे मैश हो गले आ टेस्ट भल आसी था एमर जमार पीस पीस टमाटो बाजे भल लगे आ सहित ही सामान्य लुण आड कर केवल सीझापी एवं यहाँ गोटे रु दुई मिनिट पर्यंत भलसेपर भाव में कुक करने एबे से ही मुझे कश्मीरी लाल मिर्च आड कर मुझे तीन टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च आड कर कारण आलुदम आम कलर टी भल आस बहुत ही भल लगी था एबे देखु सांगे सांगे यार कलर आसीगलापर भाव भलसे कुक करने तीन रु चार मिनिट पर आम ये टमाटो पूरा भलसे कुक होपर भाव में टे डे मैश करने जमी पूरा भलसे मिले जा एबे आ पूरा भलसे कुक हो गला यार कलर भी बहुत भल आसीगला एबे मुझे मसला पेस्ट आड कर मुझे गोटे कप मसला पेस्ट आड कर मसला पेस्ट मुझे तीनो प्याज आ गोटे रसुण आ सहित ही गोटे बड़ साइज अदा को बाटी नहीं मसला को भी आम भलसे कसी ना जमी यार कंचा स्मेल पलेब आ तेल भी कड़ाई पूरा भलसे छाड़ एबे से ही भितर ही मुझे लुण आड कर डेढ़ टी स्पून लुण नहीं स्वाद अनुसार लुण आड करनेपर भाव में पांच रु सात मिनिट चले चले ही भलसे कुक करने ये आलुदम रेसीपी आम समस्त बहुत ही भल लगी था आप निश्चय थे या ट्राए करेंगे आपण या रुटी हो कि भात कि जेकोसी स्नाक्स सहित भी सर्व करेंगे यह बहुत ही टेस्टी लगी था मुझे कसूरी मेथी क्रश करके यार स्मेल आम तरकार बहुत भल आसता है यार टेस्ट को भी बहुत बढ़ाई था एवं भल से भाव में मिक्स करने सहित ही मुझे तीनो तेजपत्र को नहीं जाती आड कर सबू को भलसे कषापी देवा मसला आम पूरा भलसे कषि हो गला मुझे चारोटी आलू को यहपर भाव में मैश करके रखिली ताकू नहीं जाऊँ आलू को छोट छोट काटी हाथ में मैश करके सामान्य खंड खंड कर नहीं जहाँफल कि आम तरकारी यार टेक्सचर भल आसो तरकारी टेस्ट भी भल आसता है एवं आपड़ जी झोल चाहते से अनुसार एणी आड करेंगे कि आलुदम आम जमा भी बेसी पा देवानी ना भल लग न था मुझे पा आड कर पांच रु सत मिनिट यहपर भाव में फुटे ना देखु पांच मिनिट पर आमर ये तरकारी पूरा भलसे फुटला एवं मुझे दुई टी स्पून गरम मसला आड कर नौकरी भाव में मिक्स कर नौ भी भाव में पांच सत मिनिट टे कुक कर नौ ये आलुदम प्रस्तुत हो जाए आम ये प्रस्तुत करना गुगुनी को प्रथम मुझे हाफ के जी मटर को यहपर भाव में उषुम पाने आगु बतरे नहीं दुई रु तीन घंटा बतरवाप देखा के फुली जा एबे आमे हाँ प्रेशर कुकर रे भलसे सीझे नेबा मुझे सब प्रेशर कुकर रे नहीं जाऊँ ता सहित भी एबे सीझापी हाफ टी स्पून लुण आड करदे मुझे पानी दे दूची पानी एतिक देवा जमीती आम मटर पूरा भलसे बुड़ी जाऊब आऊपर को भी गोटे लेयर पानी रोथ देखु मुझे पानी देखू पांच रु छी सीटी मार पर्यटन भलसे सीझे नवा एबे मु प्रथमे कड़ाई दुई टी स्पून रिफाइन तेल नहीं जाऊँ और तेल सामान्य गरम है गोटे टी स्पून चीनी आड करी को यहपर भाव में गोटे मिनिट पर्यंत कुक करना जमी भलसे क्यारमेलाइज होपर मुझे फुटापी तीनो तेजपत्र देखिए ही गोटे सहित ही गोटे पिज को चप कर रखी ताकू नहीं जाऊँ भलसे यहपर चल चलिए टे भाजने एवं मुझे गोटे टी स्पून हलदी पाउडर आड कर ता सहित तो ही तरकारी कलर आसवापी दुई टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च आड कर नौपर भाव मिक्स कर नौत ही गोटे टमाटो को चॉप कर रखी थी ताकू आड कर नौपर भाव मिक्स कर नौ मोर ये मसला पूरा ड्राए हो गला से मुझे पानी आड कर नौ जहाँफल कि मसला आम जमा तले लगे एपरी कले आम तरकारी मसला भी जमा पोड़ तार टेस्ट भी पूरा भल र एबे माउ सामान्य पानी दे दूँ जहाँफल कि टमाटो भी आम शीघ्र सीझी जीव एपर भाव में दुई रु पांच मिनिट पर्यंत कुक करने टमाटो आम नरम होगा पर्यंत एवं ये देखते मसला आम पूरा प्रस्तुत हो गला मुझे दुई डंकी पिज रसुण अदार बटा दे दूँ
ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ 4 ପିଆଜ ଆଉ 2 ରସୁଣ ଆଉ 3 ଗୋଟେ ଅଦାକୁ ଭଲସେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେଇଛି। ଏବେ ଏହାକୁ ବି ଭଲସେ ପରେ ମିକ୍ସ କରିକି 5-10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ କଷି ନେବା, ଯେମିତି ତେଲରୁ ଏହା ଭଲସେ ଛାଡ଼ିଯିବ, ଏହାର କଲର୍ ବି ଭଲ ଚାଲିଆସିବ। ଏବେ ସେଇ ଭିତରେ ହିଁ ମୁଁ ଏଥିରେ କସୁରୀ ମେଥି ଆଡ଼୍ କରିନେଉଛି, ଏହାକୁ ମୁଁ କ୍ରସ୍ କରିକି ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେଉଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଲୁଣ ଦେଇଦେଉଛି, ମୁଁ ଏଠି 1 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଲୁଣ ନେଉଛି, କାରଣ ମୁଁ ଆଗରୁ ସିଝେଇଲା ବେଳେ ବି ମଟରରେ 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଲୁଣ ନେଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 1 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଲୁଣ ନେଉଛି। ଆପଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ କମ୍ ବେଶୀ କରିବେ। ଏବେ ତାକୁ ବି ଏହିପରି ଭାବରେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିକି ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକିଏ କୁକ୍ କରିନେବା। ଏବେ ଏଇଠି ମସଲା ପୁରାପୁରି କଷି ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଏଠି 2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଚଣା ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିନେଉଛି। ଆପଣ ଏହା ଇଜିଲି ମାର୍କେଟରେ ପାଇପାରିବେ, ଏହାର ଟେଷ୍ଟ ଆମର ଏଇ ମଟର ତରକାରୀରେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ତାକୁ ବି ଏହିପରି ଭାବରେ 1-2 ମିନିଟ୍ ଟିକିଏ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ଯେଉଁ ମଟରକୁ ଆଗରୁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲି ସେଇ ମଟରକୁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିନେଉଛି, ଆଉ ତାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେଉଛି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଝୋଳ ପାଇଁ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଉଛି, ଆପଣ ଯେତିକି ଗ୍ରେଭି ଚାହୁଁଥିବେ ସେତିକି ପାଣି ଦେବେ, କାରଣ ମଟର ତରକାରୀ ସିଝିଗଲା ପରେ ଟିକିଏ ଥିକ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଏହାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ କଭର୍ କରିକି 5-7 ମିନିଟ୍ ଟିକିଏ କୁକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଦେବା। ଏବେ ଏଇଠି ଆମର ତରକାରୀ ପୁରା ଭଲସେ ଫୁଟିଲାଣି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସର୍ଭ କରିବା ଏଇ ଆଳୁଦମ ଦହିବରାର ଟେଷ୍ଟି ରେସିପିକୁ। ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଦହିବରାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ସର୍ଭ କରିନେଉଛି, ଆଉ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଯେଉଁ ଦହି ପାଣି ରହିଥିଲେ ସେ ଦହି ପାଣିକୁ ବି ଏଥିରେ ଦେଇଦେଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଯାଉଛି ସଇଁଧବ ଲୁଣ, ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ ଆକର୍ଡ଼ିଙ୍ଗଲି ନେବେ। ଆଉ ସେଇଥିରେ ହିଁ ନେଇଯାଉଛି ଜିରା ପାଉଡ଼ରକୁ ବି, ଆଉ ତା ସହିତ ହିଁ ଟେଷ୍ଟ ଆକର୍ଡ଼ିଙ୍ଗଲି ନେବେ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର। ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ 1 ଟଙ୍କି ଗୁଗୁନି ନେଇଦେଉଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ହିଁ 1 ଟଙ୍କି ଆଳୁଦମ ଦେଇଦେଉଛି। ଏହାପରେ କିଛି କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି। ଏବେ ତା ଉପରେ ହିଁ କିଛି ସେଓ ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି। ଏବେ ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆମର ଟେଷ୍ଟି ଚଟପଟା ଆଳୁଦମ ଗୁଗୁନିର ଦହିବରା। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଏଇ ରଜ ପର୍ବରେ ଏଇ ଦହିବରାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇ ରଜ ପର୍ବକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।